Good afternoon, BCSX स्टूडेंट्स, आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आया जाया करें, टाइम टफ है और मुझे लगा कि ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है तो उसकी एक और दो प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई वांट टू डिस्कस विद यू। सो आप सभी इसको अच्छे से देखें और मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हम किसी भी बिजनेस में हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करें। डिमांड सप्लाई ये इक्वल रहनी चाहिए, अदरवाइज कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स deals with the transportation of a product manufactured at different factorized supply centers to a number of warehouses, demand destinations, columns, रो और कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। तो हम रो को सप्लाई सेंटर में शो कर रहे हैं और कॉलम के अंदर डिमांड शो कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द डिमांड रिक्वायरमेंट्स विद इन द प्लांट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मिनिमाइजेशन जो वर्ड है, हम इस ट्रांसपोर्टेशन में कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए। द सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेंड इन टू पार्ट्स, इनिशियल सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमिलिटी। तो सेकंड जो पार्ट है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमिलिटी, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। इनिशियल सॉल्यूशन आप लोगों के कोर्स में है और इनिशियल सॉल्यूशंस के अंदर भी तीन मेथड हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसे NWCM कहा जाता है, यानी क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। वो कैसे होगा वो भी हम क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी कि जिस उस जो टेबल गिवन है उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लीस्ट कॉस्ट, वहाँ से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड, ये द बेस्ट मैथड कहलाता है, लेकिन जनरली इन दो से भी हम कर सकते हैं। अगर उसने सिर्फ क्वेश्चन में पेपर सेटर ने सिर्फ ये कहा है कि इनिशियल सॉल्यूशन से सॉल्व करो, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ यस वी विल स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एग्जांपल, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय NWCM मेथड। इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। सप्लाई सेंटर्स गिवन है F1, F2, F3 एंड डिमांड डेस्टिनेशन इज ऑल्सो गिवन W1, W2, W3, W4। डिमांड और सप्लाई ऑलवेज शुड बी इक्वल, ये हम इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। आप देखें 6 and 10 16, 16 + 12 = 28 + 15 = 43, सेम 11 + 13 = 24 + 19 = 43। सो डिमांड एंड सप्लाईज आर इक्वल। ओके, नाउ यस हाउ टू सॉल्व इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मीन्स दिस वन, इट इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नाउ आवर क्वेश्चन इज अ स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 21। हाउ मच डिमांड इज 6, डिमांड इज 6। हम मैक्सिमम यहाँ कितना सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 ही कर सकते हैं, 6 की डिमांड है, हम 6 की सप्लाई कर सकते हैं। हमें दोनों साइड चेक करनी होगी, इधर वाली साइड डिमांड और इधर 11 इस सप्लाई। तो मैक्सिमम इस रो को हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, 11, और डिमांड कितनी कंप्लीट कर सकते हैं, 6। इसलिए हमने इस फर्स्ट वाले जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, यहाँ पे हमने इसको 6 सप्लाई किया। जैसे हमने 6 की इसकी सप्लाई कर दी, इट मीन्स ये दो फुलफिल हो गए, 6 से ज़्यादा यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिमांड कितने की, 6 की। सेम अब इससे आप आगे बढ़ो, 6 आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पार्ट आ रहा है, सेकंड कॉलम जो है उसके अंदर 16 पार्ट है। 11 हमारी टोटल सप्लाई होनी चाहिए, 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो 11 - 6 इज 5। जैसे 6 और 5 11 हो गया, इट मीन्स ये दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। तो ये पूरी आपका जो रो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, तो ये दोनों ही क्रॉस हो जाएंगे। नाउ कम टू द सेकंड, ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, देन वी विल मूव टू ऑन सेकंड कॉलम। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल हम डिमांड 10 कर सकते हैं, 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ हो गई 5। 5 और 5 जैसे 10 हुआ ये क्रॉस हो गया, ये 5। देन नाउ सेम कम टू द थर्ड कॉलम, ये ऑलरेडी क्रॉस है, यहाँ हम देखते हैं 5 दे चुके हैं और टोटल 13 दे सकते हैं, हियर इट इज 12। इट मीन्स 5 ऑलरेडी कंप्लीटेड, 13 - 5 = 8, 8 हमने यहाँ दे दिया, रिमेनिंग कितना रहा, 4
वो हमने यहाँ दिया, तो 4 और 8 12, ये ऑलरेडी क्रॉस है, दिस वन इज कंप्लीट, देन नाउ अगेन मूव टू दिस कॉलम, दिस वन इज कंप्लीट, नाउ यस व्हाट इज रिमेनिंग, 4 हम ऑलरेडी दे, यहाँ 19 है, 19 माइनस 4 कितना हुआ 15, 15 रिमेनिंग रहा वो हमने पूरा इसको दे दिया क्योंकि बाकी सारे फुलफिल हो चुके हैं, इट मीन्स क्रॉस लग चुका है सब जगह, देन नाउ अगेन एड इट 43, दिस वन सप्लाई इज ऑल्सो 43, देन डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, एंड हाउ टू फाइंड इट, 6 मल्टीप्लाई बाई 21, 5 मल्टीप्लाई बाई 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 इंटू 18, 15 इंटू 41, एंड नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन देन एड इट आवर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 1095. Now your first northwest corner method is completed. Now we will move to the second example of least cost method. This is our second question. Now the same form, supply is given, demand is given. Then demand and supply should be equal. अब आप हो सकता है आपके दिमाग में हो कि सर अगर डिमांड और सप्लाई नहीं होगा इक्वल तो हम क्या करेंगे, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसको 000 करके डिनोट करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके अभी आपकी नीड नहीं है, तो नाउ वी शुड नो गो फॉर एक्स्ट्रा कॉलम. Here it is completed 35 equal 35. What is least cost? Now according to name, least cost, it means ये जो आपको table given है, ये जो total P1, P2, P3 is given, इसमें सबसे छोटी value कौन सी? सबसे छोटी value इसके अंदर दे रखी 12. ये 12. 12 से हमने question की शुरुआत की. यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, it means 7 हम इसको दे रहे हैं, तो बाकी की तीनों values cross हो जाएगी. It means 7 complete. Now come to the second value. 12 से बड़ी value कौन सी है? Now yes, 12 से बड़ी value हमारे पास में है 19. Already fulfill है. Now yes, sorry, हमने एक value miss करी है. 12 से पहले भी 10 थी. तो 10 इससे start होगा. Now again I start the least cost method question. Just हाँ, least cost method जो मैं आपको question बता रहा था, मैंने शुरुआत यहाँ से 12 से की थी, लेकिन but the least value is 10. So 10 is here. तो 10 यहाँ है, यहाँ 8 की डिमांड है, 18 हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ 8 दे दिया. जैसे ही हमने इसको 8 दिया, इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया, तो ये और ये दोनों क्रॉस हो गए. हम इस 10 के बाद वी मूव टू द 12. 12 को हम कितना दे सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी क्रॉस है, 7 की सप्लाई है, ये 15 है, हम 7 ऑलरेडी दे सकते हैं. जैसे ही हमने 7 दिया तो पूरी लाइन क्रॉस हो गई क्योंकि ये फुलफिल हो गई. अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इनका एडिशन हमारे पास में आना चाहिए 7, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और हम 7 ऑलरेडी दे चुके हैं. देन 10 हो गया, 12 हो गया, नाउ सर्च विच वन इज लिस्ट वैल्यू, 19 ऑलरेडी फुलफिल हो गया. नाउ यस कम टू द 20. 19 के बाद इस पूरी टेबल में आप दे सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू है 19 के ठीक बाद आ रही है 20. तो 20 को हम कितना दे सकते हैं, 8 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, 18 है, 20 को हम कितना दे सकते हैं, देखो 8 ऑलरेडी दे दिया. अगर हम सोचते हैं कि इसको यहाँ से रिमेनिंग पार्ट हम दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, 7 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ 15 माइनस 7 कितना दे सकते हैं, 8. जैसे हमने 8 इसको दिया, ये कंप्लीट हो गया, हमने इसको क्रॉस कर दिया. नाउ यस 20 से आगे बढ़े 30, या उससे पहले और कोई वैल्यू है, ये 30 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है क्योंकि 8 हो गया, तो 30 से आगे बढ़े 40. 40 में यहाँ भी है और यहाँ भी, चलो पहले यहाँ आ जाते हैं. तो हमने यहाँ क्या 18 है हमारे पास, 16, तो 8 प्लस 8 16, 18 माइनस 16 इज 2, हमने इसको 2 दे दिया. 40 को हमने इसको 2 दिया. अब इस वाले 40 पे आते हैं, यहाँ क्रॉस हो चुका है, यहाँ क्रॉस हो चुका है, यहाँ 7 है, 7 दे सकते हैं क्योंकि यहाँ 10 है, दिस वन इज कंप्लीट. तो 40 कंप्लीट हो गया, 40 से ऊपर बढ़ो, 40 से ऊपर का 60 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, नाउ फिनिश, इसमें कुछ भी नहीं बचा. 50 इज हियर बट 50 इज क्रॉस, फिनिश. 60 भी क्रॉस, 30 10 ये भी क्रॉस. नाउ यस 70. अब आप देखें 2 हम दे चुके हैं, 5 माइनस 2 इज 3, 3 यहाँ, यहाँ 10 है, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10. इस तरह से हम देखते हैं कि सारे वैल्यूज कंप्लीट होनी चाहिए. आप वापस इसको चेक कैसे कर सकते हैं, 3 प्लस 2 5, 8, 7, 7 एंड 8 15. हियर नाउ इन रो फॉर्म 7 10 8 और 2 10 एंड प्लस 8 18. अब उधर ऐड करें अगर आप इसको, 35 आएगा, इधर ऐड करें तब भी 35 आएगा. अगेन ऑफ द सेम प्रोसेस जैसा नॉर्थ वेस्ट में किया था, 3 इंटू 70 2 इंटू 40, 3 इंटू 70 2 इंटू 40,
देन दिस वन नॉट काउंट, ये नहीं काउंट होगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 8, ये हो गया। देन नाउ 12 इंटू 7, 14 इंटू 7, ये सारी वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, आंसर इज 894। नाउ इट्स योर लिस्ट कॉस्ट मैथड इज कम्प्लीटेड। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। ओके, बाय।